दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक वीडियो सीरीज कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर इन समर वैकेशन, जिसमें फिलहाल अभी MS Word पर क्लास चल रही है, आज प्रस्तुत है एक धमाकेदार वीडियो। आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक नवीन जानकारी दी जा रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वीडियो शुरू करते हैं आज का, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवे, तथा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और शेयर करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। MS Word का एक टैब है रिव्यू। इस रिव्यू टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, और जब हम इस MS Word पर वर्क करेंगे तो इन ऑप्शन का कहाँ इस्तेमाल करेंगे और ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। इस टैब का पहला ऑप्शन है प्रूफिंग। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका वर्क है। प्रूफिंग का मतलब किसी चीज को प्रूफ करना। तो जैसे इसके अंदर सबसे पहले है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपके पास जो मैटर टाइप किया हुआ है उसके अंदर कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है तो ये चेक कर लेगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये मैटर कुछ टाइप किया हुआ दिखाई दे रहा है, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कहाँ कहाँ स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो चेक करनी है। तो पहले अगर आपने सेटिंग के अंदर कर रखा है तो जरूर नीचे रेड कलर की अंडरलाइन कर देगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये ABC लिखा हुआ है, राइट का निशान किया हुआ है, स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा हुआ है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन खुलेगा और ये जहां रुकेगा, जहां आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है ये आपको वही इंडिकेट करेगा जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक स्पेलिंग रेड कलर के अंदर दिखा रहा है और ये किस प्रकार से शुद्ध स्पेलिंग हो सकती है आपको सजेशन करेगा। अब आपको लगा कि ये स्पेलिंग सही है तो बिल्कुल यहाँ पर एक चेंज का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप चेंज कर दीजिए। चेंज करोगे ये राइट हो जाएगी और आगे ले जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये करेक्ट भी हो सकती है, हो सकता है ये आपके अनुसार राइट हो, लेकिन ये कंप्यूटर मानता है कि ये गलत है, क्योंकि इसकी जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये स्पेलिंग सही मैच नहीं कर रही है, इसलिए इसके नीचे एक ब्लू कलर की अंडरलाइन दे रखी है। नीचे इसने इसको सजेशन देके बताया है कि आप ए की जगह ई करेंगे तो ये सही होगी। ये मैसेज शो करेगा कि आपके पास जितना मैटर है वो पूरा का पूरा मैटर हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है और चेक इज कंप्लीट, ये लिखा हुआ मैसेज मिलेगा, आप इसको ओके कर दीजिए, सारे ऑप्शन वापस ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, आप उनको भी देख लीजिए। जैसे इसके अंदर एक ट्रांसलेट का ऑप्शन है। ट्रांसलेट का मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेट का ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा। ये ऑप्शन आपको 2016 और उसके ऊपर का जो MS Word है उसके अंदर आपके अच्छे से वर्क करेगा, और जो Word 360 है उसके अंदर ऑनलाइन वर्क होता है, उसके अंदर आसानी से आपका जो मैटर लिखा हुआ है वो आसानी से ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और अदर कोई लैंग्वेज भाषा के अंदर ये चेंज हो जाएगा, ये ऑप्शन वर्क करेगा अच्छे से। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको लैंग्वेज सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, फिलहाल इंग्लिश और हिंदी बाय डिफॉल्ट कर रखा है, इसको ही ओके कर देते हैं। वर्ड काउंट, आपके पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट्स टाइप किया हुआ है और उस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो सकता है 50 से अधिक पेज हो, अगर कोई आपको कह दे कि इसके अंदर कितनी लाइंस हैं, कितने इसके अंदर पैराग्राफ्स हैं, कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स यानी कितने अक्षर हैं इसके अंदर लिखे हुए, क्या आप बता सकते हैं चंद पलों के अंदर? हाँ दोस्तों, बिल्कुल क्यों नहीं बता सकते हैं, इसके अंदर ही तो ऑप्शन है, एक वर्ड काउंट लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा। इस वर्ड काउंट ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर संपूर्ण स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, यहाँ पर पेज एक, वर्ड्स 238, यहाँ पर करेक्टर्स जो नो स्पेस, बिना किसी स्पेस के इस पर अक्षर कितने हैं 1185, और स्पेस के साथ कितने करेक्टर्स या कितने अक्षर हैं वो 1419, और कितने पैराग्राफ्स टाइप किए हुए हैं, अभी फिलहाल 4 पैराग्राफ टाइप किए हुए हैं,
कितनी लाइंस है इन चार पैराग्राफ के अंदर, 16 लाइन अभी यहाँ पर टाइप की हुई है। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको केवल मात्र एक क्लिक से मिल जाएगी, और वो कौन सा बटन है, वर्ड काउंट, ये है किसके अंदर, रिव्यू टैब के अंदर। आप समझ गए, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। दोस्तों ये हिडन जानकारी आपको कैसी लगी है, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करके हमें बताइए, साथ ही अपने दोस्तों और साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब इस रिव्यू टैब का अगला ऑप्शन है कमेंट्स। ये कमेंट क्या काम आता है, जिस प्रकार आपने एक्सेल के अंदर कमेंट देते हैं उसी भांति यहाँ वर्ड के अंदर भी जानकारी अलग से हमें प्रूव करके बतानी है, वहां पर आप कमेंट्स डाल सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। पहले आप क्या करते हैं, जैसे ऑफिस के अंदर कोई बाबूजी हैं और वो अपने अधिकारी के पास कोई फाइल लेकर जाता है, तो उस फाइल के अंदर जहां जहां उनको साइन कराना है या फिर कोई जानकारी अपने अधिकारी को देनी है, तो वो फाइल के अंदर क्या करते हैं, कुछ टैग लगा देते हैं। तो वो टैग लगाने का आशय यह है कि उनको बार बार पेपर इधर उधर पलटना ना पड़े और सीधा उस मैटर तक चले जाए या उस पेज पे चले जाए। यहाँ पर भी आप इसी भांति कमेंट्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यू कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, यदि आप कोई कमेंट डालेंगे तो बाकी वाले ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी एक ऑप्शन शुरू है न्यू कमेंट्स। जैसे मुझे इस पेज के अंदर इस लाइन को हाईलाइट करके बताना है, कहीं बार बार मुझे ढूंढना नहीं पड़े, तो इसमें मैं क्या डाल दूं, एक कमेंट डाल दूं। कमेंट पे जैसे क्लिक करूंगा इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगी कमेंट डालने के लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी कमेंट लिख सकते हैं जो आपको याद रहे और आप इस पेज पर फटाफट पहुंच जाए। और इसके अलावा और कमेंट कहीं डालना हो तो आप वहां क्लिक कर दीजिए और वहां पर भी आप इसी भांति न्यू कमेंट कर दीजिए, यहां पर भी एक कमेंट आ जाएगा। अब ये बाकी वाले ऑप्शन क्या काम करेंगे, ये डिलीट करने का है। अगर आपको लगा कि ये मैंने गलत कमेंट कर दिया है, मुझे अलग जगह डालना था, तो आप उसको अलग जगह डालने के लिए यहाँ से हटाओगे, तो ये जैसे ही इस पे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करोगे ये हट जाएगा, और आप चाहोगे कि मुझे तो ये यहाँ डालना था, यहाँ जाके वापस करोगे ये कमेंट आगे बढ़ जाएगा। अब ये बटन क्या काम करेंगे, ये प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए है। जैसे आपको पिछले कमेंट पे जाना है तो ये करोगे तो आप इस कमेंट पे आ जाओगे और इस पे क्लिक करोगे तो अगले कमेंट पर आ जाओगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तो यहाँ तक रहेगा, ये कमेंट्स ये बार की तरफ आपको नजर आ जाएगा। आपको इतना मैटर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको तो पता है कि मुझे कहाँ जाना है, वहां सीधे चले जाओगे। इसके अंदर एक बलून्स वाला ऑप्शन है, ये क्या है, इसके अंदर जो कमेंट्स की इस समय डिजाइन है इस प्रकार से ये लाइन इन कर रखी है और बाहर इस कमेंट का एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से खुला हुआ है। आप चाहते हो कि मुझे ऐसा नहीं अलग डिजाइन चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करोगे कमेंट इस प्रकार से शो होगा, और आप चाहते हो कि कमेंट्स और फॉर्मेटिंग दोनों हो तो ये इस प्रकार से नजर आएगा। अगला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन कहलाएगा कि अगर आपने ये जो कमेंट कर रखे हैं इसको यहाँ से अभी डिलीट नहीं करना है, केवल ऐसा करना कि ये यहाँ से हट जाए, दूसरों को नजर नहीं आए, केवल मेरे को ही पता रहे कि मैंने कहाँ पर कमेंट्स डाला है। तो यहाँ पर फाइनल वर्ड होगा, इस फाइनल पर जैसे ओके करेंगे आपका वो कमेंट डाले हुए हैं वो कहीं पर नजर नहीं आएंगे और आपको पता है कि वो कमेंट्स कहाँ डाले हुए हैं। अब वापस वो लाना है तो यहाँ पर फाइनल शोइंग मार्कअप जैसे क्लिक करेंगे वापस सारे के सारे कमेंट्स शो हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह करना है इस कमेंट्स को, तो उसके लिए है। जैसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट पे जैसे ही करोगे ये यहाँ पर आ जाएगा। आप इसके आगे जाना हो तो यहाँ से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो ये यहाँ ले जाएगा। रिजेक्ट करना है तो ये यहाँ से डिलीट कर देगा। जैसे इसको रिजेक्ट करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करोगे ये कमेंट्स यहाँ से हट चुका है, डिलीट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पर भी ये रिजेक्ट का ऑप्शन है, ये दोनों क्यों? ये डिलीट का ऑप्शन जब काम करेगा जब आप किसी कमेंट पर क्लिक करेंगे, आप किसी कमेंट सेलेक्ट करके रखेंगे तो ही ये डिलीट का बटन वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और अगर से आपने यहाँ से साइड में सेलेक्ट कर लिया तो ये डिलीट का ऑप्शन अब आपको नजर नहीं आएगा। अब आपको डिलीट करना है तो रिजेक्ट करके ही कर सकते हो। ये रिजेक्ट का बटन अभी आपके चालू है, जैसे ही रिजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सा रिजेक्ट करना है उस पे ले जाएगा, फिर ये कहेगा कि रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। आप इसको जैसे रिजेक्ट करोगे ये अगले पे ले जाएगा।
अब ये अगर सेलेक्ट हैं तो ये डिलीट का बटन भी ऑन है और ये रिजेक्ट का बटन भी ऑन है, लेकिन साइड में क्लिक कर दोगे तो डिलीट का बटन ऑफ हो जाएगा लेकिन रिजेक्ट का बटन अभी भी ऑन रहेगा। आप चाहो तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये इस प्रकार से वर्क करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंट था वो भी बता दिया। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण टैब की तरफ। रिव्यू के अंदर एक महत्वपूर्ण टैब है जो आज इस वीडियो की जान है और ये टैब आज इस वीडियो को अति महत्वपूर्ण बनाने वाला है। दोस्तों, आपने MS Excel के अंदर Excel की सीट और पूरे वर्कबुक को लॉक करते हुए देखा है। आप वहां पर किसी प्रकार के कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, न टाइप कर सकते हैं जैसे ही उस सीट को लॉक कर दिया जाता है। क्या आप MS Word को उसी भांति लॉक कर सकते हैं? क्या आपने अभी तक MS Word के अंदर इस प्रकार से लॉक लगाया है? जैसे आपने कोई लेटर टाइप कर दिया है, अब उस लेटर पर कोई भी आदमी एडिटिंग नहीं कर सके, उस पे आप लॉक लगा दो, क्या आप लगा सकते हो लॉक? आज आपको इस MS Word के पेज को भी लॉक करना बताएंगे। दोस्तों, ये पेज आपके सामने है। मान लीजिए ये कोई लेटर आपने टाइप किया है, अब आपको कहीं जाना पड़ जाए, पीछे कंप्यूटर चालू है, कोई भी साथी आकर उस लेटर को एडिट कर सकता है, उसके अंदर कोई भी संशोधन कर सकता है। आप चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति मेरे अलावा उस पर किसी प्रकार का एडिट नहीं करे, उसको डिलीट नहीं करे, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए या तो लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के लिए अब ऑप्शन का है, ऑप्शन आपको मिलेगा रिव्यू टैब के अंदर। ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपके इस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देगा? लॉक कर देगा। अब कैसे करेगा ये आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले। आगे आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अपने कलिंग्स को शेयर जरूर करना। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए सबसे पहले इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चार ऑप्शन आपको नजर आएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो फर्स्ट में ऑप्शन मिल रहा है, रेस्ट्रिक्स फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक और एडिटिंग टूल मिल जाएगा। अब इस एडिटिंग टूल के अंदर आपको क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट को लॉक करना है। फिलहाल आपका कर्सर यहाँ घूम रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। कोई फिलिंग फॉर्म या नो चेंज, इस प्रकार क्या करना है आपको? तो आप चाहोगे कि इस पर कोई कुछ ना करे, सिर्फ नो चेंज, केवल रीड ओनली, अगला व्यक्ति केवल इसको पढ़े, इसके अलावा इस पर किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं करे। तो अब इसके लिए क्या करना, आपने दो ऑप्शन देख लिए, उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट इन्फोर्समेंट, और इसके अंदर लिखा मिलेगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। इस पे आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे पासवर्ड के लिए आपके पास एक बॉक्स खुलेगा, आप इस पे अपना पासवर्ड दे दीजिए। मैं केवल दो अक्षर का पासवर्ड फिलहाल दे रहा हूँ, HL लिख रहा हूँ, इसके नीचे भी HL लिख रहा हूँ। दो बार क्यों आपको दो बार इसलिए दे रहा है कि हो सकता कोई त्रुटि रह जाए, तो ये री एंटर पासवर्ड कराता है कन्फर्म के लिए। जैसे ही आप दोनों दे देंगे आपको केवल ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे यहाँ से सारे टूल्स हट जाएंगे। अब यहाँ पर ये कर्सर केवल रन करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। आप कुछ भी करके, जैसे इसको सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन दबाओगे, कुछ नहीं होगा, ये डिलीट नहीं कर सकते। इसमें ना तो कोई फॉर्मेटिंग होगी, ना इसका फॉन्ट चेंज होगा, ना इसके अंदर कोई कलर्स कर सकते हैं, ना इसके ऊपर कोई कमेंट्स वगैरह हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी बदलाव इसके अंदर नहीं होगा, केवल और केवल पढ़ने के लिए है। इस लेटर को आप पढ़िए। मान लीजिए आपने कोई अति संवेदनशील लेटर लिखा है और वो आपके कंप्यूटर में पड़ा रह गया, और आपको लगता है कोई साथी उसके अंदर कोई एडिटिंग ना कर दे, उसको डिलीट ना कर दे, या उसके अंदर कोई भी वर्ड चेंज ना कर दे, इसलिए आप उस पर पासवर्ड लगा के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपने इसको लॉक तो कर दिया, लेकिन अब आप स्वयं चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ एडिटिंग की जाए, तो कैसे करेंगे? अब इसको वापस अनलॉक कैसे किया जाए, इसके लिए ऑप्शन है नीचे स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको अनप्रोटेक्ट करने के लिए या पासवर्ड लिखने के लिए बॉक्स मिल जाएगा।
आप अपना जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड यहाँ लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। ये सारे ऑप्शन ऑन हो चुके हैं और जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है इसको डिलीट करना है, ये डिलीट हो जाएगा। आप इस पर जो भी एडिटिंग करना चाहोगे वो सारी की सारी एडिटिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब ये वापस अनलॉक हो चुका है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कई ऐसे साथी हैं जिनको ये जानकारी पहले से हो सकती है, लेकिन जिनको ये जानकारी अब मिली है तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक और शेयर करना और ये जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। अब बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।